नमस्कार, आकाशवाणी पोर्टल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट की सराहना करते हुए कहा है कि इस बजट से आर्थिक गतिविधियों के लिए नया माहौल पैदा होगा। द्वीप समूह में आम बजट पर मिलीजुली प्रतिक्रिया हुई है। कैंबल बे में पानी की कटौती शुरू हो गई है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर कल पूरे द्वीप समूह में कार्यक्रमों के आयोजन हुए और कुछ अंतर्द्वीपीय जलयानों की यात्रा कार्यक्रम में फेरबदल किया गया है। समाचारों के साथ मैं संतोष कुमार सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट की सराहना की है। बजट के बारे में उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सरकार की आर्थिक नीतियों को लागू करने में बजट सहायक होगा और देश के गरीब तबके तक कार्यक्रमों के लाभ पहुंचेंगे। उन्होंने कहा है कि इस बजट से आर्थिक गतिविधियों के लिए नया माहौल पैदा होगा। कांग्रेस पार्टी के राजीव शुक्ला ने बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि आम जनता को धोखा देने की कोशिश की गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने भी बजट की आलोचना की है। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट प्रावधानों की सराहना करते हुए कहा कि राज्यों को आर्थिक विकास के लिए रास्ते खुलेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आम बजट पर लोगों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सांसद विष्णु पदरे ने कहा कि वित्त मंत्री ने गरीबों के लिए नई बीमा योजना शुरू करके सरकार के उस नजरिए को प्रस्तुत किया है जिसमें हमेशा गरीबों के उत्थान की बात कही जाती रही है। उन्होंने कहा कि एक रुपए प्रतिमाह का प्रीमियम जमा करने से एक गरीब व्यक्ति को 2 लाख रुपए की बीमा का लाभ मिल सकेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विशाल जौली ने इसे गरीबों का बजट बताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार किसी बजट में निर्धन वर्ग के लिए प्रभावी प्रावधान किए गए हैं। अंडमान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष और प्रमुख व्यवसायी मोहम्मद एच चाडवट ने कहा कि इस बजट के मौजूदा प्रावधानों से अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक वातावरण बन सकता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सरकार सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाएगी। नगरपालिका पार्षद और भाजपा नेता श्रीमती शीला सिंह ने कहा कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कारगर प्रावधान किए गए हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता के जी दास ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो घोषणाएं की गई हैं उससे सकारात्मक आशा का वातावरण बनने की संभावना है। एनजीओस एसोसिएशन की द्वीप समूह इकाई के महासचिव श्री कुमार ने आम बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि वित्त मंत्री ने कॉरपोरेट सेक्टर को जहां एक ओर रियायत दी वहीं दूसरी ओर सरकारी कर्मचारी और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए आयकर की छूट की सीमा बढ़ाना जरूरी नहीं समझा। प्रदेश कांग्रेस के महासचिव एमजेड सिद्दीकी ने कहा कि मौजूदा बजट के प्रावधानों ने सरकार के झूठे वादों की पोल खोल दी है। इस बजट से आम लोगों पर महंगाई की मार पड़ेगी। पार्टी के दक्षिण अंडमान जिला अध्यक्ष आरवी रेड्डी ने इसे अमीरों का बजट बताया। रियल एस्टेट से जुड़े कारोबारी और आईएमएफसी हाउसिंग के निदेशक मोहम्मद अली ने कहा कि कारोबारियों के लिए यह बजट उत्साहजनक नहीं है।